अगर आप चाहते हो कि आपकी एंट्री हो मेरे ब्लॉग में और आपका नाम आए मेरे ब्लॉग के अंदर, वो पॉसिबल है अब। गुड मॉर्निंग। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैं फुर्सत में बैठी हूँ आप लोगों से कुछ दिल की बातें करने के लिए। एक्चुअली इस टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बहुत टाइम से टाल रही हूँ, बहुत लोग जानते भी हैं, काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं इससे रिलेटेड। काफ़ी सारे लोगों के दिल में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि कब बताओगे आप, कब बताओगे। लेकिन सच पूछो तो मैं इसलिए टाल रही थी क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मेरे पुराने दिनों को वापस ले आती हैं, और जब मैं उन दिनों को सोचती हूँ ना तो मुझे तकलीफ़ होती है और दर्द भी होता है। और ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है क्योंकि मैं वो टाइम जो है दोबारा से अपनी नज़रों के सामने घुमाना नहीं चाहती हूँ सच पूछो तो। वैसे तो मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, लेकिन कुछ बातें आपकी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जो आपको काफ़ी तकलीफ देती हैं, जिनके बारे में आप जितना जल्दी भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ तभी बेहतर रहता है। तो उनमें से कुछ बातें यही हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं जिनमें ये पूछा जाता है कि आपके एक ही बच्चा क्यों है, क्या आप कभी दूसरे बेबी के बारे में नहीं सोचते, क्या आपको कभी दूसरा बेबी नहीं चाहिए, या आप कभी दूसरा बेबी कब प्लान करोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके आसपास घूमी हैं जिसके बाद क्या बात करूं इस बारे में। हिम्मत करके मैंने आज सोचा चलो आज आप लोगों को बता ही देती हूँ। देखिए आप में से जितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं वेल एंड गुड, अगर जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये सब मजाक है तो फिर प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हो। आप मेरी और वीडियोज़ हैं उन्हें चेक कर सकते हो। ये सिर्फ बातें मैं उन लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस वो मेरे ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे दिल से प्यार करते हैं, मेरे बारे में हमेशा कंसर्न रखते हैं, और उन्हें मेरी लाइफ की वो चीज़ें भी जाननी है जो मुझे कभी कभी तकलीफ भी देती हैं। खुश मिजाज रीमा को तो आप लोगों ने सभी ने देखा ही है मेरे वीडियो के थ्रू। मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं सबके साथ खुश रहकर, मतलब खुशी में यार मज़ा है यार, खुद खुश रहो दूसरों को भी खुश रखो, तो यही मेरा फंडा है, इसी तरीके से मेरी लाइफ चलती आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हो जाती हैं लाइफ में जिनको आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो या फिर भूलना चाहते हो उन्हें, आप ऐसा कह सकते हो। तो जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि मेरे एक ही बच्चा क्यों है और मैंने कभी कोई दूसरा बेबी क्यों नहीं किया, तो मैं बता दूँ मेरी शादी के ठीक एक साल के अंदर ही कशिश हमारे पास आ गई थी, मेरी गोदी में थी कशिश, बहुत ही खुशी हुई थी उसे देखकर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो खुशी मैं आपको शायद शब्दों में ना बता पाऊँ लेकिन आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि अगर आप माँ बन चुके हो तो आपको वो खुशी का अंदाज़ा ऑलरेडी होगा कि जब बच्चा आपके हाथों में आता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है, और मुझसे भी कहीं ज़्यादा खुश थे प्रशांत, बहुत ज़्यादा खुश थे। कशिश सिजेरियन बॉर्न हुई है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या फिर सिजेरियन, तो कशिश सिजेरियन से हुई है मेरे। लेकिन पूरा टाइम मेरा 9 मंथ तक बिल्कुल आराम से चल रहा था, कहीं भी हालात नहीं थे कि सिजेरियन होगी, सबको नॉर्मल डिलीवरी का ही चांसेस लग रहे थे। लेकिन एंड मोमेंट पे जब मैं एक दिन पहले, एक्चुअली 24th की करवा चौथ थी और 25th को कशिश बॉर्न हुई है, तो 24th को मैंने फास्ट रखा था, और वो फास्ट रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब मेरे लिए, मुझे खुद को लगता है कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। सच पूछो तो कि मैं वो फास्ट छोड़ना ही नहीं चाहती थी क्योंकि वो पहला करवा चौथ था शादी के बाद जो पड़ा था, और करवा चौथ हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से बनता है, और नॉर्थ में तो मतलब करवा चौथ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो करवा चौथ का जो पहला व्रत था वो मैं किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहती थी, तो मैंने फास्टिंग कर ली। हालांकि मैंने
जो वो मेरा पहला फास्ट था, तो मम्मी ने मुझे उसमें दूध भी दिया और मुझे फ्रूट भी खिलाए। उन्होंने कहा पहले व्रत है तो आप इसे खा लो, जिससे कि आगे चलकर कभी कोई ऐसी दिक्कत आए तो कभी भी तुम्हें ये ना लगे कि मैं अब कुछ नहीं खा सकती, क्योंकि मैंने पहले व्रत में नहीं खाया था। तो इस वजह से मैंने ये एक गिलास दूध पिया था, मुझे आज भी याद है, और एक एप्पल भी खाया था। पूरा दिन मैं भूखी नहीं रही थी, सिर्फ और सिर्फ कशिश की वजह से कि वो बॉर्न होने वाली थी, अदरवाइज उसके बाद मैंने कभी भी करवा चौथ पे कुछ नहीं खाया है। बस वो फर्स्ट और लास्ट टाइम था, लास्ट तो मैं कह नहीं सकती, लाइफ बहुत लंबी है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने वो खाया था। लेकिन अच्छा ही किया वो मैंने किया तो। और फिर अगले दिन हमें जाना था रेगुलर चेकअप पे, 25th को रेगुलर चेकअप पे मैं गई थी। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि कशिश की जो कॉर्ड है वो उसकी गर्दन में फंस गई है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी। और प्रशांत घबरा गए एकदम ये सुनते कि सिजेरियन, ओ माय गॉड, सिजेरियन डिलीवरी मत, नॉर्मली होगी। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी ये बिल्कुल ऐसा केस हो चुका है कि अगर हमने जल्दी डिलीवरी नहीं करी तो बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। तो इन्होंने बोला अब जैसा भी है अब आप डिलीवरी कर दीजिए। तो मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी हुई थी, प्रशांत बहुत घबराए हुए थे, वो मुझसे ये बात शेयर नहीं करना चाहते थे कि ये सिजेरियन से होने वाली है। तो वो बहुत घबराए हुए थे, लेकिन मेरे को देख के बोलते कि रीमा तुम्हें पता है कि तुम्हारी डिलीवरी अब सिजेरियन बोल रहे हैं डॉक्टर, और आज ही करना होगा। तो मैं बोलती हूँ कि यार सिजेरियन, मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, मैं खुश, मैं मतलब मैं नॉर्मल। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बता रहा था कि मुझे लगा तुम ऑपरेशन से पहले इतना ना घबरा जाओ कि उसका अफेक्ट ऑपरेशन पे आ जाए। तो लेकिन तुम्हें नॉर्मल देख के मुझे पता नहीं अच्छा लग रहा है कि चलो तुम नॉर्मल हो, ये सोच के। तो बाद में इस बात पे वो मजाक भी बनाते कि मैं इतना घबरा गया था और तुम मुस्कुरा रही थी। कहीं ना कहीं जो नॉर्मल डिलीवरी वाला पेन होता है ना, मैं मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था मैं उससे बच गई हूँ, बाद वाला पेन देखा जाएगा। ऐसा होता है बचपना। बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे था नहीं, तो बचपना तो ऐसे ही होता है, बचपना में सारी बातें चली जाती हैं। खैर वो तो हुआ ये केस। उसके बाद मैं आपको बात करूंगी कि हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है। तो कशिश हो गई थी 7 से 8 साल की, 7 से 8 साल की हो गई थी। हम लोगों ने तब तक कोई प्लानिंग नहीं करी थी कि हमें सेकंड बेबी चाहिए, क्योंकि पहला बेबी हमने जल्दी प्लान कर लिया था, तो हमने आगे के लिए सोचा ही नहीं कि हम लोगों को अब दूसरे बेबी के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमें लगा कि अब हमें कुछ टाइम अपने लिए भी देना चाहिए। कशिश ऑलरेडी आ चुकी थी, उसमें ही इन्वॉल्व हो गए थे, खूब अच्छा लगता था उसके साथ खेलना, और उसको बड़ा करने में टाइम पता नहीं कहाँ चला गया। तो 7 से 8 साल बाद दिमाग में आया कि यार एक और बच्चा होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने प्लान किया 7 से 8 साल बाद, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 1 मंथ के बाद जैसे आप सोनोग्राफी कराने जाते हो तो उसमें पता चला कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, जो कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि जब भी आप इस टाइप का चेकअप कराने जाते हो तो आपको मालूम पड़ता है अचानक से कि आपके बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं आई है। ऐसे में डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, 2-3 जगह और कराया, लेकिन सब में यही बात निकल कर बाहर आई कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं कैच की जा रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप 5 से 6 दिन का और वेट कर लो, उसके बाद एक बार और करेंगे, फिर पता चल जाएगा। वो भी हम लोगों ने करके देखा, लेकिन सेम ही रिजल्ट निकला। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब इस बेबी को रखने का कोई फायदा नहीं है। तो इस टाइप से वो मिसकैरेज हो गया मेरा, और दुख हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। और बहुत सोचा हुआ था कि अब कशिश को कोई ना कोई साथी मिल जाएगा, लेकिन फिर सोचा कि चलो जो होता है, होना होता है, वो होके ही रहता है। उसके बाद 1 से 1.5 साल बाद हम लोगों ने हिम्मत करके फिर से प्लान किया कि चलो एक हुआ तो हुआ ऐसा, लेकिन अब सेकंड टाइम और सेकंड चांस तो हमें देना ही चाहिए। तो हम लोगों ने फिर से प्लान किया, चलो देखते हैं। तो सेकंड टाइम पूरे 3 मंथ्स हो चुके थे, यस इस बार पूरे 3 मंथ्स हो चुके थे, हार्ट बीट भी अच्छे से आ गई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन मैं कहीं से लौट रही थी, कोई शादी अटेंड करके, और वहाँ से लौटते समय मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ था, और गाड़ी जाके धक्के से ऐसे लगी थी, तो ऐसे कोई हम लोगों को चोट नहीं आई थी, लेकिन गाड़ी का जो आगे का जो हिस्सा होता है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो गया था। गाड़ी काफ़ी दिन हम लोगों की सर्विस सेंटर पर पड़ी रही, उसके लिए कम से कम 10 से 12 दिन लग गए थे गाड़ी को ठीक होने में। हम लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो अचानक से झटका लगा था उसकी वजह से अगेन मिसकैरेज हो गया, 3 मंथ्स वाला मिसकैरेज। आप सोच सकते हो कितना दुख होगा किसी को। खैर वो भी एक फेज था, वो भी निकल गया, 3 मंथ्स कोई बात नहीं, शायद भगवान को यही मंजूर था, तो चलो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा, हम लोग जानबूझ के सिंगल चाइल्ड रखना चाहते थे, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था। कोशिश की 2 टाइम्स, लेकिन जब सक्सेस नहीं हुआ तो ऐसा हुआ। उसके बाद हम लोग फिर शिफ्ट हो गए। हम लोगों की बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र जॉब रही है, एक्चुअली हम लोगों ने बहुत शिफ्ट किया है, हम एक जगह पर 3 और 4 साल से ज़्यादा कहीं नहीं टिके हैं। फिर हम लोगों को इस बीच में ना क्या हुआ,
प्रशांत का बहुत बाहर आना जाना होना शुरू हो गया। प्रशांत कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, फिर लंदन गए हुए थे, और उसके बाद लास्टली उनको यूएस जाना था, जिसके लिए वो 6 मंथ के लिए जाने वाले थे। तब मैंने उनको ये बोला कि आप 6 मंथ के लिए जो जा रहे हो तो आप हमें यहाँ पर मत छोड़ के जाओ, हम भी 6 मंथ के लिए आप ही के साथ जाते हैं, देखेंगे कैसा रहता है। खैर वो बाद में एक्सटेंड हो गया, हम लोग 5 साल के करीब यूएस में रहकर आए इसके बाद, तो अच्छा हुआ मैं चली गई। वैसे भी अगर नहीं भी जाती तब भी प्रशांत दोबारा टिकट भेज के हमें बुला ही लेते, क्योंकि 5 साल तो वो भी अकेले नहीं रह पाते। वो उनका हालत ये है कि मेरे और कशिश के बिना वो शायद महीना भर भी नहीं रह सकते। फिर यूएस में रहना, और वहाँ पर भी बहुत सारे ट्रांसफर हुए हम लोगों के, एक्चुअली बहुत सारे नहीं, 3 जगह हुए हैं एक्चुअली। सबसे पहले हम लोग कनेक्टिकट रहे, फिर हम रहे न्यू जर्सी, और लास्ट में हम रहे हैं सियाटल। तो हमने 3 प्लेस यूएस में भी इन 5 सालों में चेंज किए थे। तो इन सब चीज़ों में कभी सोचा ही नहीं, और फिर उसके बाद प्रशांत को भी नहीं लगता था, कशिश ने भी कभी ऐसे कोई कमी महसूस नहीं करी, तो कभी दिल में आया ही नहीं कि दूसरा बेबी अब प्लान करें। और वैसे भी 2 ऐसी चीज़ें होने के बाद फिर दिल में इच्छा ही नहीं रही कि कुछ और प्लान करें, सच पूछो तो, इसीलिए फिर कभी नहीं सोचा इस बारे में। तो यही थी वो लाइफ की स्टोरी जो मैं काफ़ी दिनों से टाल रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि हम लोगों का इतना अच्छा कनेक्शन हो चुका है, भले ही हम लोग वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिंक है जो एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है, दिल के साथ दिल जुड़ चुके हैं। सोचा कि चलो आज आप लोगों को बता ही देती हूँ अपने दिल की बात, जो कब से मैंने दिल में रखी हुई थी, अब आप सब लोगों को पता चल गई है। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं आज का दिन। यस, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सब लोग? तो अभी हो रहा है शाम का समय, और कैमरा फोकस, एक लाइट जलाती हूँ तो इतनी कम रोशनी रहती है, और जब मैं दूसरी वाली जलाऊंगी तो आप देखोगे कितनी अच्छी रोशनी हो गई। तो मैंने यहाँ पर 2 लाइटें लगा रखी हैं किचन में, क्योंकि मेरा सारा काम किचन से ही रहता है तो ज़्यादा लाइट की ज़रूरत रहती है। तो मैं बैठी हुई थी एडिटिंग पर, और अभी शाम हो चुकी है और डिनर वगैरह भी प्रिपेयर करना है। तो वैसे तो अरहर की दाल बन गई है ऑलरेडी, अभी मैं बनाने वाली हूँ भरवा, शिमला मिर्च को भर के बनाने वाली हूँ। तो एडिटिंग पे बैठी हुई थी, तो सबसे पहले तो चश्मा उतार लेती हूँ। कंप्यूटर पे काम करते वक्त चश्मा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप मोबाइल पर भी कुछ देख रहे हो तब भी चश्मा लगा कर ही देखो, क्योंकि आँखें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वरना जब भी कोई स्क्रीन टाइम कर रहे हो तो ध्यान रखो कि चश्मा आपकी आँखों पर होना ही चाहिए, ये सेफ्टी गार्ड का काम करेगा, वरना आपकी आँखें जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो मेरा तो जैसे कि बहुत सारा काम स्क्रीन पर ही रहता है, बहुत सारा काम रहता है, और उसके अलावा मोबाइल में भी अगर मैं कुछ देख रही होती हूँ तब भी मैं कोशिश करती हूँ, या आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई कर रही होती हूँ तब भी मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि हर टाइम मेरे आंखों पर चश्मा लगा हुआ हो, क्योंकि मेरा कितना टाइम जो है स्क्रीन पर जाता है आप समझ सकते हो। कमेंट्स के रिप्लाई करना, उसमें भी मुझे कम से कम लग जाते हैं 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आप लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई करने में रोज, और फिर एडिटिंग के लिए 2.5 से 3 घंटा, फिर सोचिए तो 1.5 घंटा आपके कमेंट्स रिप्लाई करने में, और 2.5 से 3 घंटे कहते हैं एडिटिंग करने में, और फिर बाकी कुछ थोड़ा बहुत अपनी पसंद का भी कुछ देखने में। तो इन सब में मेरा टाइम निकलता है कम से कम 3.5 से 4 घंटे तो मैं डेली जो है स्क्रीन टाइम करती हूँ। तो अगर मैं चश्मा नहीं लगाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। और अगर आप वर्किंग हो और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो आप भी प्लीज़ चश्मा लगाकर ही काम करें। और इसको कहीं फिक्स कर देती हूँ, इस टाइम मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है पकड़े पकड़े, आदत छूट गई है मेरी इस टाइप से पकड़ के आप लोगों से बात करने की, ब्लॉगिंग करने की। पहले मैं बहुत करती थी इस तरीके से हाथ में पकड़ के और ऐसे बोलती थी हाय गाइस, लेकिन आजकल आदत छूट गई। तो चलो मैं इसे स्टैंड पे फिक्स कर देती हूँ और फिर आपसे बातें करती हूँ। तो आज काम तो बहुत सारे थे मेरे पास, आज मैंने पहले 1 और 2 वीडियो की शूटिंग करी है मैंने पहले, और उसके बाद मैंने एडिटिंग करी, और अभी मैं किचन में आ गई, इसीलिए मैंने आफ्टरनून में आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई। ब्रेकफास्ट के बाद बस थोड़ी देर जो आपसे बात हो पाई थी बस वही हो पाई थी, और फिर मैं वीडियो शूटिंग और एडिटिंग में बिजी हो गई। और फिलहाल मैं आई हूँ किचन में थोड़ा बहुत काम निपटाने के लिए। दाल तो बन चुकी है, दाल बनने में कोई टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट से दाल चढ़ाना आसान होता है। अरहर की दाल है यहाँ पे, तो अब बस इसके साथ शिमला आलू की सब्जी बनानी है और रोटियां बनानी है। शिमला आलू मतलब वैसे नहीं बनाना है मुझे, भरवा शिमला बनानी है। तो आज मैंने स्टफ शिमला मिर्च को भरने के लिए लिए हैं आलू और मटर।
आज मैं आलू और मटर से स्टफिंग करने वाली हूँ शिमला मिर्च की। हाँ बस क्या करूंगी, आलू को बॉईल करके ऑलरेडी रख लिया है, इनको अच्छे से फ्राई करूंगी आलू और मटर एक साथ, नमक वगैरह सारे मसाले डाल के, और उसके बाद इनको मैं रख दूंगी ओवन में। तो मैं दो तीन तरीके से बनाती हूँ शिमला मिर्च। इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है स्टफ्ड शिमला मिर्च की सब्जी, और उसमें मैंने क्या भरा था, पनीर और चीज भरा हुआ था, लेकिन इस बार बना रही हूँ आलू और मटर की हेल्प से। और उसमें मैं क्या करती हूँ ना, कभी कभी शिमला मिर्च को ऐसे दो पीस में कट करती हूँ और तब स्टफिंग करती हूँ। और मैं क्या सोच रही थी ना, लास्ट ईयर का आपको याद है? नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूँ, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे पिछले साल से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं, और नए बहुत सारे लोग जुड़े हैं मुझसे, तो उन लोगों को नहीं आइडिया है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने इसी टाइम पर, लगभग इसी यही टाइम चल रहा था, मैंने आप लोगों से वीडियोस मंगाई थी। आप लोग चाहते हो ना मेरे वीडियो में आना, मैं आप लोगों का कोई वीडियो में नाम लूँ, किसी भी तरीके से कोई एंट्री, किसी भी, अगर आप चाहते हो कि आपकी एंट्री हो मेरे ब्लॉग में और आपका नाम आए मेरे ब्लॉग के अंदर, वो पॉसिबल है अब। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, पॉसिबल है आपका मेरे ब्लॉग में नाम आएगा बकायदा। तो आप में से जो भी लोग मेरे ब्लॉग में आना चाहते हो, अपना नाम लेना चाहते हो, उन लोगों को मैं एक मौका दे रही हूँ मेरे ब्लॉग में आने का, मेरे ब्लॉग की शुरुआत करने का, अपना नाम मेरे ब्लॉग में लेने का, सब कुछ आपको मौका मिलने वाला है। ऐसा मैंने लास्ट ईयर भी किया था, तो उसके लिए ना आपको एक वीडियो बनाकर भेजनी है मुझे। मेरा ईमेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, और साथ में यहाँ पर भी मेंशन कर रही हूँ आप लोगों के लिए स्क्रीन पर। तो अब से मेरे ब्लॉग की शुरुआत करेंगे आप लोग, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एंट्री करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम आ पाएगा इसके थ्रू, और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ब्लॉग में दिखाई देंगे। इसके लिए ना आपको बहुत छोटी सी वीडियो बनानी है, ओनली एंड ओनली 30 सेकंड की, और आपको मौका मिलेगा मेरे ब्लॉग में आने का इस तरीके से। तो 30 सेकंड की वीडियो में आपको क्या करना है, बोलना है हाय एवरीवन, और जो भी आपका नाम है वो बोलना है आपको, माय नेम इज रीमा जैसे, फिर किस शहर के रहने वाले हो वो बोलना है आपको, एंड आई एम लिविंग इन कहते हैं दिल्ली, आई एम लिविंग इन अहमदाबाद, जो भी जगह पर रहते हो तो वो आपको बोलना है। उसके बाद बोलना है वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो ज्यादा स्टेप्स नहीं है, ओनली हाय एवरीवन, अपना नाम, अपने सिटी का नाम, और फिर वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो ये कुछ लाइंस बोलनी है आपको, इसके थ्रू आपको मेरे ब्लॉग में जुड़ने का मौका मिलेगा, साथ में मेरे ब्लॉग की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। तो अब मेरे ब्लॉग में वेलकम करने का मौका मैं आप सब लोगों को दे रही हूँ, इस तरीके से ज्यादा लोगों को मेरे ब्लॉग में आने का मौका मिलेगा, तो है ना कितना अच्छा। तो लास्ट ईयर भी मैंने कुछ ऐसा ही किया था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे एंट्री भेजी थी, मैंने पूरा 1 मंथ आप लोगों से ही वेलकम कराया था अपने वीडियो में। कुछ लोग जुड़े थे ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, इंडिया में भी दूर दूर से, दिल्ली से, आगरा से, और पता नहीं कहाँ कहाँ शहरों से मेरे साथ लोगों की ईमेल्स आई थी वीडियो वाली, और मैंने उनको अपने ब्लॉग में दिखाया था ब्लॉग की स्टार्टिंग में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर साल इस टाइम पे करने की सोचती हूँ, क्योंकि इस टाइम फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं तो एक फेस्टिवल वाइब्स रहती है, और अच्छा लगता है जब आप लोग भी मेरे ब्लॉग की शुरुआत करते हो, मुझे तो बहुत खुशी होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी उतना ही खुश होंगे इस बात को सुनकर जितना मुझे खुशी हो रही है आपको बताने में। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी वीडियो शूट करो और जल्दी जल्दी भेजो। हाँ एक और चीज मैं मेंशन करने वाली हूँ आपको, लास्ट ईयर कुछ लोगों ने, ओह ये पानी में रखा हुआ था, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो लास्ट ईयर कुछ लोगों ने मुझे वीडियो इस तरीके से बनाकर भेजी थी, जैसे कि इस तरीके से हम नहीं पकड़ लेते हैं मोबाइल को, तो इस तरीके से भेजी थी, तो स्क्रीन पर ना पूरी नहीं आ रही थी। तो आप कोशिश करिएगा इस बार ना वीडियो इस तरीके से बनाकर भेजें, जिससे कि मैं जब आपकी वीडियो लगाऊं स्क्रीन पर तो पूरे स्क्रीन में वो कवर हो और आप अच्छे से दिखाई दें। तो इस तरीके से आपको वीडियो बनाकर भेजनी है। तो स्टफ्ड कैप्सिकम बनाने के लिए मैं सबसे पहले तैयार करने वाली हूँ इसकी स्टफिंग, और ये मैं बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में कर रही हूँ, जैसा कि हम लोग बचपन में खाते थे हमारी मम्मी के हाथ का। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, उसको अच्छे से पहले हीट अप कर लिया, उसके बाद उसमें जीरा और हींग डाल दिया। यहाँ पर 2 प्याज मैंने चॉपर से चॉप कर ली थी, और उनको भी मैंने इसके साथ मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ये रेडीमेड वाला है, आप चाहें तो घर वाला यूज़ करें और भी ज़्यादा फ्रेश वाला टेस्ट आएगा। इसके बाद मैंने 2 टमाटो और चॉप करके रखे हुए थे चॉपर में, तो वो भी मैंने इसके साथ मिक्स कर दिए हैं। अब मैं
प्याज और टमाटर और लहसुन और अदरक के पेस्ट को सबको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, खूब अच्छे से। और इसमें मैं पूरा अपना 1 से 2 मिनट देने वाली हूँ, और जब वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, बाय द वे इसमें हरी मिर्च भी पड़ी हुई है जो मैंने प्याज के साथ ही चॉप कर ली थी। और अब मैंने इसके अंदर मिला दी है 4 आलू जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, और मैंने मटर को भी ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ है तो वो भी मैं इसके साथ मिक्स कर दूंगी। इसके साथ कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि है लाल मिर्च का पाउडर, और फिर है हल्दी, और इसमें धनिया पाउडर भी मैं ऐड करूँगी। धनिया पाउडर मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें धनिया पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसमें चाट मसाला ऐड करने वाली हूँ, गरम मसाला ऐड किया है मैंने इसके अंदर, और लास्ट में मैंने इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड किया है। आप यहाँ पर जीरा का पाउडर हो तो वो भी ऐड कर दीजिए, उसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चाट मसाला और अमचूर मैंने दोनों ऐड किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, और इससे टैंगीनेस बढ़ती है, और मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है जिनमें टैंगीनेस आती है। लास्ट में मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। तो बस स्टफिंग अब तैयार है, इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 मिनट देने चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा फ्राई होगा उतना अच्छा फ्लेवर आता है। इसी टाइप की कुछ स्टफिंग होती है जो आप समोसे वगैरह में भी भरते हो, तो ये वैसी टाइप की ही स्टफिंग है। अब मैंने इसमें खूब अच्छे से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी डाल दिए हैं, और फिर मैं अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर लगभग मेरी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है, और अब हम भरते हैं कैप्सिकम को। तो यहाँ पर कैप्सिकम मैंने ऑलरेडी कट करके रख ली थी, अब मैं अच्छे से उनको ऊपर तक भर दूंगी, और बस इसके बाद बेक होने के लिए रख देना है आपको। तो इस तरीके से मैंने सारी शिमला मिर्च को भर लिया है, और अब मैं इसे रख रही हूँ बेक होने के लिए। बेक होने से कम ऑयल में बन जाएगी। आप चाहो तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालिए, और हल्का सा बहुत 1 चम्मच ऑयल भी डालोगे तो भी चलेगा। बस नीचे से जलना नहीं चाहिए, और फिर ढककर इसको बीच बीच में चेक करते रहिए। और कभी कभी जब मैं पहले कढ़ाई में बनाती थी ना, मैं क्या करती थी, थोड़े से आलू बचा लेती थी, तो वो तेल में थोड़े से आलू नीचे की तरफ रख देती थी, और इसके ऊपर ये सारी शिमला मिर्च मतलब नीचे एक बेस सा बना देती थी थोड़े से ये वाले स्टफिंग वाले आलू का, और उसके ऊपर शिमला मिर्च डाल देती थी, मतलब ये रख लेती थी, और उसके बाद उसे ढककर फिर पका देती थी। वो भी अच्छा लगता है कि बाहर भी आलू है अंदर भी आलू है। तो इसको थोड़ी देर और बनने के लिए छोड़ देते हैं, और अभी मैं दूसरे काम देख लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं करने वाली हूँ ये कपड़े तय, और शिमला मिर्च तो बन ही रही है, थोड़ी बहुत देर में बन जाएंगी, चेक करना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत तुम जाकर चेक करो यार, बीच में एक बार चेक कर लो। मुझे करने हैं ये सारे कपड़े तय, बहुत सारे कपड़े आए हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पर है ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, तो ये सारे कपड़े मैं तय करती हूँ। टाइम नहीं मिल पाया आज सुबह से, तो कपड़े भी अभी उतार कर लाई हूँ बाहर से बालकनी से। तो चलिए मैं इन कपड़ों को तय करती हूँ, और मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं मिलूंगी अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय गाइज एंड गुड नाइट।